मित्रों नमस्कार। 68,500 शिक्षक भर्ती जांच कमेटी की रिपोर्ट निकली झूठी। सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी जी ने जारी की नई सूची उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की। मित्रों आप पूरी अपडेट देखने से पहले यहाँ थोड़ा सा देखते हैं कि एक जांच कमेटी जो बनी हुई थी, रिपोर्ट उन्होंने जो दिया वो पूरी तरह से गलत थी। और अभी तक केवल जो GIC के लेक्चरर थे उन्होंने कापी जांची, उसमें बहुत सारी धांधली हुई। लेकिन यहाँ देखिए जो जांच कमेटी नियुक्त हुई थी जिन्होंने कापियों का स्क्रूटनी किया उन्होंने भी धांधली किया, उन्होंने भी ऐसे लोगों को पास कर दिया जो कापियों में पास नहीं थे। तो भी आप पूरी अपडेट में देख पाएंगे उन्होंने कितने ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनको पास ना होने के बाद भी उन्होंने कापियों में पास कर दिया। जब उसका सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी जी ने रिमूल्यांकन किया उन कापियों का सूची जारी करने से पहले, तो उन्होंने देखा कि इसमें भी धांधली हुई है और उन्होंने फर्जी लोगों को जो कापी में जिनके अंक कम हैं और मानक से कम हैं उनको भी उन्होंने पास कर दिया है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हर एक स्तर पर इस भर्ती बहुत ज़्यादा धांधली हुई है। यदि इस पूरी अपडेट हम लोग भी देखते हैं, पूरी अपडेट देखने से पहले यदि अभी भी जो 30-33% वाले लोग हैं थोड़ा सा जागरूक हो जाते हैं तो उनको लाभ मिल सकता है। और पूरी अपडेट देखने से पहले मित्रों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन प्रेस करके डेली इस तरह की जो भी इससे संबंधित अपडेट है, जैसे मैं भी इससे संबंधित हूँ, तो आपको सारी अपडेट मिल सकेगी। तो आइए देखते हैं पूरी अपडेट क्या है। आप यहां देख सकते हैं कापी पर उत्तीर्ण 45 अभ्यर्थियों की जल्द होगी नियुक्ति। देखो इन्होंने लिख रखा कापी पर उत्तीर्ण, कापी में 45 अभ्यर्थी केवल उत्तीर्ण थे लेकिन उन्होंने 51 लोगों को उत्तीर्ण कर दिया। माने यहां छः अभ्यर्थियों के लिए यहां भी धांधली हुई है। और इसलिए देखिए बेसिक शिक्षा सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी जी ने यहां पे शो किया है कि 45 अभ्यर्थी ऐसे थे जो कापी में पास थे। तो पूरी अपडेट देख लेते हैं क्या है। प्राधिकारी नियामक परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव ने बेसिक शिक्षा परिषद मुख्यालय को भेजी सूची। और अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये प्रयागराज माने इलाहाबाद की न्यूज़ है आज की। प्रसिद्धी स्कूलों के 68,500 सहायक अध्यापकों की लिखित परीक्षा के रिजल्ट में अनुत्तीर्ण व कापी पर अच्छे अंक पाने वालों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा डॉक्टर प्रभात कुमार ने के निर्देश पर परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव ने मंगलवार को ही, आज बुधवार है, 45 अभ्यर्थियों की सूची बेसिक शिक्षा परिषद सचिव को भेज दी है। अब परिषद सचिव जल्द ही जिलों में काउंसलिंग की तारीखों का ऐलान करेंगे। माने उन्हें सूचित कर दिया जाएगा जो पास अभ्यर्थी हैं और जल्दी उनकी काउंसलिंग की डेट भी वो कंफर्म करा देंगे। बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों की शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा, यहाँ पूरी अपडेट आप देख सकते हैं, का परिणाम में अनुत्तीर्ण घोषित कई अभ्यर्थी कापी पर अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हुए हैं। उच्च स्तरीय जांच समिति की रिपोर्ट के बाद शासन ने इस संबंध में 5 अक्टूबर का शासनादेश भी जारी किया है। हालांकि समिति ने 51 अभ्यर्थियों को कापी पर उत्तीर्ण घोषित करते हुए नियुक्ति देने की सिफारिश की थी, उसी आधार पर शासन ने आदेश जारी किया। अपर मुख्य सचिव डॉक्टर कुमार ने मंगलवार को निर्देश दिया कि यह सूची तत्काल भेजी जाए। परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने सभी 51 अभ्यर्थियों की कापियाँ फिर से देखी और अंकों का मिलान किया। तो इसमें पाया कि सिर्फ 45 अभ्यर्थी ही तय उत्तीर्ण प्रतिशत अंक पा रहे हैं, बाकी 6 के अंक उससे कम हैं। तो अभ्यर्थियों ने, अब आप यहाँ देख सकते हैं 45 अभ्यर्थी ही ऐसे हैं जो मानक के बराबर अंक पाए हुए हैं, बाकी 6 अभ्यर्थियों को फालतू इसमें जोड़ दिया गया है। यहाँ भी धांधली की गई है और उनको पास आउट कर दिया गया था। तो आप देखिए चतुर्वेदी ने 18 अभ्यर्थियों की सूची बेसिक शिक्षा परिषद सचिव को देर शाम तक भेज दी है ताकि उनका जिला आवंटन कराकर नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी हो सके। अब परिषद सचिव रूबी सिंह इस संबंध में दिशा निर्देश जारी करेंगी। तो आप देख सकते हैं कि इसमें हर एक स्तर पर धांधली हो रही है। ऐसे में यदि आप थोड़ा सा जागरूकता दिखाते हैं तो आपको लाभ अवश्य मिल सकेगा। ये न्यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को थोड़ा अपडेट करें जिससे जो और अभ्यर्थी हैं थोड़ा सा जागरूक रहें इससे। आप यहाँ देख सकते हैं शासनादेश में फंसा फिर नोटिस का पेज। शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा परिणाम की उच्च स्तरीय जाँच के बाद 5 अक्टूबर को जारी शासनादेश में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की काउंसलिंग कराकर नियुक्ति देने का निर्देश है। इसमें यह भी कहा गया है कि जांच समिति को 53 ऐसे अभ्यर्थी मिले जो रिजल्ट में उत्तीर्ण होकर चयनित हो चुके हैं लेकिन वे कापी पर दर्ज अंकों में फेल हो रहे हैं, तो उनकी उत्तर पुस्तिकाओं का पुनर्मूल्यांकन कराने को कहा गया है। लेकिन अब जब वो फेल हैं उसके बाद ही पुनर्मूल्यांकन को कहा गया है, नोटिस देने या फिर अन्य कार्रवाई का जिक्र नहीं है, तो उनको नोटिस तो देना ही चाहिए था।
ऐसे में महकमे के अफसर रिजल्ट में असफल अभ्यर्थियों की सूची परिषद मुख्यालय भेजने से कतरा रहे हैं क्योंकि अभी उनकी कापियों का पुनर्मूल्यांकन भी नहीं हो सका है। हालांकि विभागीय बड़े अफसर अनुत्तीर्ण अभ्यर्थियों को नोटिस देने का मौखिक निर्देश जरूर दे चुके हैं। ऐसे फेल अभ्यर्थियों को बाहर करने की प्रक्रिया शुरू होने में कुछ और समय लगने के आसार हैं। तो अभी जो फेल अभ्यर्थी हैं वो शीघ्र बाहर नहीं होने वाले हैं क्योंकि उसमें समय लगेगा और उसका कोई क्लेरिफिकेशन भी नहीं है। तो इस तरह देखिए, अपडेट आपको बहुत सारी चैनल पर मिलती रहेगी। धन्यवाद मित्रों।